नमस्कार दोस्तों, आज मैं काजी नज़रुल इस्लाम के बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर आई हूँ। काजी नज़रुल इस्लाम हमारे बंगाल के विद्रोही कवि कहे जाते हैं, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज मैं इनके बारे में वीडियो बनाऊं और उनके बारे में जानकारियाँ कुछ उपलब्ध कराऊँ। तो आइए देखते हैं काजी नज़रुल के जीवन से संबंधित कुछ बातें। आइए आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न काजी नज़रुल इस्लाम से संबंधित देखते हैं। पहला प्रश्न है, काजी नज़रुल इस्लाम कौन थे? उत्तर है, काजी नज़रुल इस्लाम एक बांग्ला कवि, साहित्यकार, संगीतज्ञ, देश प्रेमी तथा बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि भी थे। इन्हें विद्रोही कवि भी कहा जाता था। काजी नज़रुल इस्लाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? काजी नज़रुल का जन्म 24 मई सन 1899 ईस्वी में आसनसोल के चुरुलिया, जो वेस्ट बंगाल में है, में हुआ था। काजी नज़रुल की मृत्यु कब हुई थी? 29 अगस्त 1976 में ढाका में हुआ था। काजी नज़रुल इस्लाम के माता पिता का क्या नाम था? काजी नज़रुल इस्लाम के पिता का नाम था फखरुद्दीन काजी और माता थी जाहिदा खातुन। काजी नज़रुल इस्लाम की पहली काव्य रचना कौन सी थी? अग्नि परीक्षा थी, जो सन 1922 में प्रकाशित हुई थी। काजी नज़रुल की पहली कविता कौन सी थी? काजी नज़रुल की पहली कविता थी मुक्ति, जो सन 1926 में प्रकाशित हुई थी। काजी नज़रुल इस्लाम का पहला नाटक कौन सा था? काजी नज़रुल का पहला नाटक था झिली मिली, और अन्य नाटक थे आलिया, मधुमाला, शकुनी का वध, युधिष्ठिर का गीत, दाता कर्ण आदि। काजी नज़रुल इस्लाम का पहला उपन्यास कौन सा था? बांधनहाड़ा उनका पहला उपन्यास है। अन्य उपन्यास थे मृत्युगोढ़ा और कुहेलिका। काजी नज़रुल का पहला ग्रंथ कौन सा था? काजी नज़रुल इस्लाम का पहला ग्रंथ था विशेरवासी, जो सन 1924 में प्रकाशित हुआ था। काजी नज़रुल के कुछ गल्प ग्रंथों यानी कहानियों के नाम बताएं। उनकी कुछ कहानियों के नाम है बेथार गान 1929 में जो प्रकाशित हुआ था, रिक्तवेदन जो 1925 में प्रकाशित हुआ था, स्यूली माला जो 1931 में प्रकाशित हुआ था। काजी नज़रुल इस्लाम के अनुवादी ग्रंथों के नाम बताएं। पहला है रुबाइयाँ ए उमर खयाम, दूसरा है रुबाइयाँ ए हाफिज। काजी नज़रुल की लिखी हुई जीवनी के नाम क्या है? चित्रमना, जो देशबंधु के जीवन पर आधारित है, तथा मरु भास्कर, ये हजरत मोहम्मद के जीवन से प्रभावित है। काजी नज़रुल द्वारा संपादित पत्रिका के नाम बताएं। पहला है धूमकेतु 1922, लांगन 1925 और दैनिक नवयुग 1940। काजी नज़रुल इस्लाम का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? प्रथम काव्य ग्रंथ था अग्निवीणा, जिसमें 12 कविता थी, जिसमें प्रथम कविता थी प्रलय उल्लास और दूसरी कविता थी विद्रोही। काजी नज़रुल इस्लाम को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? तो काजी नज़रुल इस्लाम को जगतारिणी स्वर्ण पदक 1945 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। पद्म भूषण 1960 में भारत सरकार द्वारा दिया गया। डीलिट की उपाधि 1969 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। डीलिट की उपाधि 1974 ईस्वी में ढाका विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया था, तथा एकुश पदक 1976 ईस्वी में बांग्लादेश सरकार द्वारा उन्हें दिया गया था। काजी नज़रुल को विद्रोही कवि क्यों कहते हैं? काजी नज़रुल को विद्रोही कवि कहने के पीछे उनकी एक कविता है विद्रोही, जिसकी जबरदस्त प्रसिद्धि हुई थी, इस कारण उनका नाम विद्रोही कवि पड़ा। काजी नज़रुल की शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई थी? काजी नज़रुल की शुरुआती शिक्षा मदरसे में हुई थी। काजी नज़रुल के पिता की जब मृत्यु हुई तो उस समय काजी की उम्र कितनी थी? उस समय मात्र 10 वर्ष के थे काजी जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। काजी नज़रुल किस रेजिमेंट में भर्ती हुए थे? काजी नज़रुल 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। काजी नज़रुल की प्रसिद्ध कविता विद्रोही सबसे पहले कहाँ छपी थी?
काजी नजरुल की प्रसिद्ध कविता विद्रोही सबसे पहले बिजली नाम की मैगजीन में छपी थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ने कौन सा नाटक नजरुल को समर्पित किया था? वह नाटक था बसंता। काजी नजरुल की पत्नी का देहांत कब हुआ था? सन 1962 ईस्वी में उनकी पत्नी का देहांत हुआ था। बांग्लादेश ने काजी नजरुल को कब राष्ट्रीय कवि घोषित किया था? सन 1972 ईस्वी में। काजी नजरुल को धूमकेतु किसने कहा था? कवि देव रविन्द्रनाथ टैगोर ने काजी नजरुल को उनकी लेखनी की शैली के आधार पर उन्हें धूमकेतु कहा था। काजी नजरुल किससे प्रभावित थे? बोल्शेविक स्पिरिट यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। काजी नजरुल ने कितने गीत लिखे? काजी नजरुल ने करीब 3,000 गीत लिखे थे। काजी नजरुल नाटक छोड़कर फौज में क्यों गई? यह एक बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में आता है। इसके बारे में काजी नजरुल ने खुद ही कहा है, एक तो रोमांच की तलाश, दूसरे पॉलिटिक्स में दिलचस्पी। काजी नजरुल एयरपोर्ट कहाँ है और कब इसकी स्थापना हुई? तो यह एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल बर्धवान के दुर्गापुर में है और 19 सितंबर सन 2013 में वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। काजी नजरुल यूनिवर्सिटी कहाँ है और कब इसकी स्थापना हुई? यह यूनिवर्सिटी पश्चिम बर्धवान के आसनसोल के कल्ला में है और 16 अगस्त 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और काजी नजरुल के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे आसनसोल में अभी अभी काजी नजरुल मेमोरियल का शिलान्यास किया गया है।